उसकी हिम्मत कैसे हुई इस तरह से बात करने की? एक तो उसने डिवोर्स पेपर पर साइन नहीं किया और ऐसे जता रही है ये सारी गलती हमारी है, हम ही बुरे हैं, उसने तो कुछ गलत किया ही नहीं है। आई अब इतने बड़े घर की इस ऐशो आराम की आदत पड़ चुकी है, इतनी आसानी से थोड़ी ना पीछा छोड़ेगी। 12 साल हो गए ना आपकी शादी को, तो शादी से पहले उसका जो घर परिवार था उसमें और इसमें तो जमीन आसमान का फर्क है, आदत हो जाती है ना, फिर कैसे पीछा छोड़ पाएगी? मुझे तो लगता है कि वो फाड़ के पैसे मांगेगी। आई कहीं इस घर पे ना कब्जा जमा ले। बस बहुत हो गया कामरी, नूपुर के बारे में बेफिजूल बात बिल्कुल नहीं सुनूंगा मैं। बेकार की बात कर रही हैं आप कुछ भी। नहीं नहीं मिलिन, मैं तो बस वही बोल रही थी जो मुझे आप लगा। जो भी कह रही हैं प्लीज चुप हो जाइए। और शायद आप भूल रही हैं वो मेरी पत्नी है अभी भी, उसके बारे में प्लीज जरा सोच समझ के बात कीजिए। मिलिन ऐसे कैसे बात करता है तू कामिनी से? सही गलत जो भी है बेटा वो हमारी तरफ से सोचकर बात कर रही है। बेटा मैं चाहती हूँ कि तू जिंदगी में आगे बढ़े, तेरी जिंदगी में खुशियां फिर से आ जाए। तूने जो ये डिवोर्स का फैसला लिया है उस पे कायम रहना। जी आई, डिवोर्स तो मैं लेकर आऊंगा, क्योंकि इस रिश्ते को बचाने की हर पॉसिबल कोशिश कर चुका हूं, लेकिन कुछ फायदा नहीं है। पर आई नूपुर जो कह रही है ना वो झूठ नहीं कह रही, मैं उसे बहुत अच्छे से जानता हूँ। वो दिल से जिस बात को मानती है ना वही कहती है। जानता हूँ उसे मैं बहुत अच्छे से आई, उसके साथ ऐसा नहीं है कि मन में कुछ और जुबान पे कुछ और, वो ऐसी नहीं है आई। उसके खिलाफ मैं कोई भी बेबुनियाद इल्जाम बर्दाश्त नहीं करूंगा। प्लीज आप कह दीजिए कामिनी को। आई मिलन नूपुर के लिए वापस पिघल तो नहीं रहा है? नहीं मतलब देख के तो यही लग रहा है। अब कल इनकी 12th एनिवर्सरी है, इमोशनल होके मिलन कोई बेवकूफी भरा कदम ना उठा ले यही समझा दीजिए आप उन्हें, है ना? अरे बाप रे तुम बच्चे भी ना, थैंक यू सो मच। बस क्या आंटी, ऐसे सूखा सूखा थोड़ी ना, हम लोग आपके लिए मस्त डांस परफॉर्मेंस करना चाहते हैं। आप नहीं बोलोगे तो हम नहीं करेंगे, आप हाँ बोलोगे तो हम जरूर करेंगे। इसमें ना बोलने वाली क्या बात है, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। ईमानदारी की बात तो ये है कि ये हम लोग का आइडिया नहीं चीकू का आइडिया है। सच में आपका आइडिया है? याद रख चीकू, सांप को मारने के वास्ते उसे फंसाना पड़ता है, नहीं तो अगर वो कहीं निकल गया ना तो वापस आके तेरे को ही काटेगा। इसलिए वो सांप औरत को तू अपनी चीकू गिरी वाली बातें करके फंसा ले, वरना कहीं ऐसा ना हो कि वो हम लोग को ऐसा फंसाए कि हमेशा हमेशा के लिए हम दोनों को एक दूसरे से अलग कर दे। मैं तेरे लिए कितना कुछ की ना, हाँ तेरे को कचरे के डब्बे से उठा, तेरे को पाल पोस के इतना बड़ा किया, अभी तेरी बारी है, अभी तेरे को मेरे लिए करना पड़ेगा। चीकू टंकी बरोबर बोला, सुलभ दादा भी बरोबर बोले, मैंने आपके साथ कितना चिल्लम छूट किया, सब रॉन्ग की मैं। जब से मैं इधर आई है आपने सिर्फ मेरे से प्यार से बात की है, पर मैंने हमेशा आपके साथ डिशुम डिशुम किया, लेकिन अब बस, अब मेरे को आपके साथ डिशुम डिशुम नहीं करने का है, अब मेरे को आपके वास्ते डांस करने का है, आपको सॉरी बोलने के वास्ते। आपकी एनिमल सरी पे करने दोगे आप हम लोग को डांस? अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप मेरे को सॉरी दे देना। हाँ बच्चे, मैंने आपको कहा था ना कि डांस में मैं आपकी मम्मी हूं, तो इस हिसाब से तो आप मेरी बच्ची हुई। एक बच्ची अगर मम्मी के लिए डांस करेगी तो मम्मी को तो अच्छा ही लगेगा ना। हाँ
कैसे भी करके उस सांप औरत को पटा और उसे बोल कि कैसे भी करके ना तुम लोग को वो अपनी वेडिंग एनिवर्सरी पे एक डांस परफॉर्मेंस करने के लिए बोला। उस डांस परफॉर्मेंस में हम जो कलाकारी करेंगे ना वो कलाकारी उसे बहुत महंगी पड़ेगी और उसी परफॉर्मेंस के बहाने तुम लोग सब वहाँ से कल्टी होंगे, समझी मेरी बात? मम्मी ने जो जो बोला मैंने वो किया तो लगता है कल हम सब लोग इधर से कल्टी हो जाएंगे और इसके बाद मम्मी मेरे को वापस कचरे के डिब्बे में भी नहीं फेंकेगी। विनोद काका को बोल देते ना। अच्छा अब तो मैं ही आ गई हूँ। कैनन ऊपर पिछले कुछ दिनों में एक बात अच्छे से समझ में आ गई है कि इंसान को दूसरे पे डिपेंड नहीं होना चाहिए, वरना बहुत तकलीफ होती जब दिल टूटता है तो। मेरी गारंटी कैसे बनती है मैं जानता हूं या तुम जानते हो? तुम तो होगी नहीं, तो बस खुद ही आदत डाल रहा हूं कि आज के बाद कोई प्रॉब्लम ना हो। मिलिन प्लीज, कल हमारी 12th वेडिंग एनिवर्सरी है, ऐसा क्यों बोल रहे हो? 12 साल, समय कब बीत गया पता ही नहीं चला। नुपुर हाँ, पर पिछले 7 साल 7 जन्मों की तरह बिताए हैं मैंने मिलिन। मिलिंद, कल है ना अनाथालय में बच्चों ने डांस परफॉर्मेंस रखा है हमारी एनिवर्सरी के लिए, हमारा एनिवर्सरी गिफ्ट। कमाल की बात है नौपुर, जिस अनाथालय की वजह से हमारा रिश्ता टूटने के कगार पर है वो अनाथालय हमारी 12वीं वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहा है। वाह, परफेक्ट, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता था नौपुर। मिलिंद, अनाथालय का मकसद हमारा रिश्ता तोड़ना नहीं है, वो तो बस उन बच्चों का घर है जो बच्चे अपने परिवार से दूर है, उन बच्चों को हमारे प्यार की जरूरत है। मिलिन, न जाने कितने सालों से बेचारे वो बच्चे अपने माँ बाप का इंतजार कर रहे हैं जैसे हम अपनी पायल का इंतजार कर रहे हैं, जैसे शायद कहीं पायल हमारा इंतजार कर रही होगी। मिलिन, आई विश कि तुम एक बार जान पाते कि वो रिफॉर्म होम उन बच्चों के लिए क्या मायने रखता है। आई जस्ट विश कि तुम एक बार उन बच्चों से मिल पाते। वो बच्चे बहुत प्योर है, दिल के एकदम साफ है, उनको ना बस जरा सी स्माइल दे दो तो बहुत खुश हो जाते। एक बच्ची भी है, चीकू नाम है उसका, तुम्हें याद है जो हमें मंदिर में मिली थी? बड़ी नटखट सी, शैतान सी, बदमाश सी बच्ची है। मुझे पूरा यकीन था कि मैं उसे ना एक न एक दिन संभाल लूंगी और आज वही हुआ। मिलिंद, इतने दिनों से मुझसे बहुत नाराज थी, वो बात भी नहीं कर रही थी, पर आज अचानक से मेरे पास आई, उसे सॉरी बोला, ऐसे हग किया उसने मुझे। एक पल के लिए तो ऐसा लगा जैसे मेरी पायल। वो बच्चे हमारी एनिवर्सरी के लिए डांस परफॉर्मेंस कर रहे हैं। चीकू का ही आइडिया था कि वो हमारी एनिवर्सरी पे डांस परफॉर्मेंस करेंगे। काश तुम मुझसे मिल पाओ प्लीज, एक बार अनाथालय के बच्चों से मिल लो ना। मिलोगे क्या उनसे एक बार? मैं जानती हूँ कि हमारे बीच में भी जो कुछ भी चल रहा है, जो भी सिचुएशन है वो ठीक नहीं है, पर कभी तो ऐसा समय था ना मेरे जब हम एक दूसरे के साथ थे, खुश थे, बहुत खुश। अगर तुम्हें लगता है कि इन 12 सालों में हमारे बीच कभी भी प्यार था, इतना सा भी प्यार, तो प्लीज उस प्यार के खाते
हमारी पायल के खातिर, हमारे 12 साल के रिश्ते के खातिर एक बार आ जाओ ना सनाथल। और कुछ नहीं तो उन बच्चों की मासूमासी देखकर तुम्हारे दिल का दर्द दूर हो जाएगा मिलन, ट्रस्ट मी। प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।